एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मम ट्यूबर पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कि वीडियो में मैं लेके आई हूँ 2 से 3 वर्ड्स के ऐसे 15 सेंटेंसेस जिनको आप छोटे बच्चों के साथ 2 से 3 साल की उम्र के बच्चों के साथ आसानी से बोल सकते हैं। दिस सेंटेंसेस विल बी ऑफ 2 to 3 वर्ड्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस इज सिट डाउन। जब आप बच्चे को कहीं पर बैठने के लिए कह रहे हैं तो आप इस सेंटेंस यूज कर सकते हैं, सिट डाउन विद जेस्चर्स। तो बच्चा धीरे धीरे इस बात को समझेगा कि जब भी सिट डाउन कहा जा रहा है तो उसे बैठना है। सेकेंड सेंटेंस इज कम हेयर। तो आप जब भी बच्चे को अपने पास बुलाएं तो आप कह सकते हैं कम हेयर, दैट मीन यहाँ आओ। थर्ड सेंटेंस इज डोंट गो देयर। छोटे बच्चे हर समय कहीं ना कहीं भागते ही रहते हैं। अगर आपको उन्हें कहीं जाने से मना करना है तो आप कह सकते हैं डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। फोर्थ सेंटेंस इज डोंट टच इट। छोटे बच्चे हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको टच करके देखना चाहते हैं, बट काफ़ी टाइम कुछ चीज़ों के लिए टच करना सेफ नहीं होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आप बच्चे को कहें कि इसे मत छुओ तो यू कैन से डू नॉट टच इट और डोंट टच इट। 2 से 3 साल के बच्चों में हैबिट देखी जाती है कि वो अपना अंगूठा चूसते हैं, दे सक दे थम। अगर आप उन्हें कहना चाहते हैं कि अपना अंगूठा मत सक कीजिए तो आप कह सकते हैं डू नॉट सक योर थम। छोटे बच्चों को जब भी हम किसी से मिलवाते हैं तो उससे हाथ मिलाने को कहते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे शेक योर हैंड, शेक योर हैंड, शेक हैंड। नेक्स्ट इज होल्ड माई हैंड। जब भी आप बच्चों के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं और उन्हें कहना चाहते हैं कि मेरा हाथ पकड़िए तो आप कह सकते हैं होल्ड माई हैंड। नंबर 8 इज ब्रिंग योर टॉय। अगर आप बच्चों को कहना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉय को आपके पास लाने के लिए तो आप कह सकते हैं ब्रिंग योर टॉय। कई बार आप बच्चों के साथ कलर से रिलेटेड गेम खेलते हैं जिससे बच्चों कहते हैं कि पर्टिकुलर कलर का टॉय वो आपको लाके दें, तो आप कह सकते हैं ब्रिंग योर येलो टॉय, ब्रिंग योर रेड टॉय। नंबर 9 फिनिश योर मील और फिनिश योर फूड, फिनिश योर मिल्क। जब भी आप बच्चे को उसका फूड मिल्क कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं, फिनिश करने के लिए कह रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 10 शो मी योर हैंड। छोटे बच्चों की हैबिट होती है कुछ भी चीज़ मुंह में डाल देने की, तो कई बार वो चीज़ों को अपने हाथ में छुपा लेते हैं और जब उन्हें दिखता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो उन चीज़ों को मुंह में डाल लेते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है कि बच्चे के हाथ में कुछ है जो आपको चेक करना चाहिए, तो यू कैन से शो मी योर हैंड, मतलब अपना हाथ दिखाइए। नंबर 11 किक द बॉल और थ्रो द बॉल। बॉल बच्चों के पास एक बहुत कॉमन टॉय होता है जो सभी बच्चों के पास होता है। तो जब बच्चे अगर टॉय से खेल रहे हैं, तो अगर बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और आप उसे कहना चाह रहे हैं कि बॉल को किक करे तो आप कह सकते हैं किक द बॉल। और अगर बच्चा नॉर्मल बॉल से खेल रहा है और कहना चाहते हैं कि बॉल आपकी तरफ फेंके, वो बॉल फेंके, तो आप कह सकते हैं थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल। छोटे बच्चे हर समय कहीं ना कहीं दौड़ते ही रहते हैं, चाहे घर हो या पार्क। तो अगर आप उन्हें कहना चाहते हैं दौड़िए मत, तो आप उन्हें कह सकते हैं डू नॉट रन और डोंट रन। नंबर 13 बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए आप कह सकते हैं कम टू मी, कम टू मम्मा, बेबी कम टू मम्मा, कम टू मी। नंबर 14 ओपन योर माउथ। बच्चे कुछ ना कुछ जैसे अपने मुंह में डाल लेते हैं और इफ़ यू वॉन्ट टू चेक देयर माउथ, तो आप उन्हें कह सकते हैं ओपन योर माउथ, मतलब अपना मुँह खोलो, ओपन योर माउथ। नेक्स्ट इज वॉश योर हैंड्स। तो जब भी आप बच्चों को हाथ धोने के लिए कहें तो आप कह सकते हैं बेबी वॉश योर हैंड्स, टाइम टू वॉश योर हैंड्स। सेंटेंसेस विल डेफिनेटली हेल्प यू। धीरे धीरे ये सेंटेंसेस आपके बच्चों को इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। जब रेगुलरली इन सेंटेंसेस को आप अपने बच्चों के साथ यूज करेंगे तो बच्चा इन सेंटेंसेस के मीनिंग समझेगा, उसकी मेमोरी में ये सेंटेंसेस फिक्स होते जाएंगे, उसके वोकैब में। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।